ये जो ब्रिज है ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। इस ये ब्रिज के वजह से है ना, ब्लॉक होने की वजह से बरसात जब आ रही ये पूरे आजू बाजू के घरों में पानी चला जा रहा, पानी जा के पूरा मेरे मकान में ये रोज़ा पुलिस स्टेशन के अंडरग्राउंड पूरा वो भर रहा। ये आजू बाजू मकाना है वो पूरे मकानों में है ना पानी पूरा अंदर मकानों में चला जा रहा, मगर कॉरपोरेशन को इसके बारे में मेमोरेंडम दिए थे, मैडम को जाके बोले तो भी इसका कोई हल नहीं है। अभी भी पूरा ब्लॉक है, पानी है ना जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, सिर्फ वो पानी पजर रहा वो मट्टी में से, वो पानी को वे भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली ये रोड बनाने से पहले चीज़ इसका ब्रिज का भी काम होना चाहिए था, वो काम नहीं करे, डायरेक्ट उसके ऊपर रोड डाले। अब तकलीफ है ना ये ब्रिज के आजू बाजू जो मकान है उनको हो रही है। अब तकरीबन 5-6 मकानों में तो पूरा पानी हम खुद देखे हैं, वीडियो है, सुबह है, अब पानी आया पूरा। जिस दिन भी बारिश आया उस दिन हमारे को है ना डर ही रहता है कि पानी अंदर आ रहा बोल के। सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को भी दिया सो है, मैडम को दिया सो है, कॉरपोरेटर को तो मैं तो नहीं दिया, मैं सिर्फ सिटी कॉरपोरेशन को जब सबमिट करे थे मैं भी, हमारे दोस्त मैडम को है ना हमारे दोस्ती सबमिट करे थे, मैंने गया था, मगर मेरे को इतला है कि उन्होंने दिए सो है मैडम के हाथ। तो आदिल सुलेमान जो हैं वो अटेंड करे थे, जब खाली दिलासा दिए करते करते बोल के, मगर अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। परसों जो बारिश आई वो भी बारिश पूरा अंदर आ गई मकानों में। डिमांड कुछ भी नहीं, अभी ये तो क्लियर तो नहीं होता, ये क्लियर तो नहीं होता, नया ब्रिज डाले तो कुछ तो भी होता, पानी एटलीस्ट पास तो होना, वो पास होने के वास्ते ही नहीं है ये पानी। पूरा मोमिनपुरे का पूरा पानी, खारी बोड़ी का पानी पूरा फ्लो होके इधर ही आ रहा, उसको वे तो बनना घर में घुस रहा पूरा। क्या है 22 वार्ड नंबर 22